दोस्तों संक्रांत आने वाली है, उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया डिलीशियस एक मिठाई। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करें। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं और तरह तरह की चीज़ें बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कोई घूमने जा रहा है, कोई फंक्शन अटेंड कर रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सब भागम भाग के बीच में हम खाना तो भूलते नहीं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। और सर्दी हैं, बच्चों का मन भी होता है कि कुछ बनाया जाए उनके लिए, और आपका भी मन करता है कि अपने परिवार के लिए कुछ बनाए, लेकिन हम सभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं किसी ना किसी कारण से। तो उसी व्यस्तता में भी हम बहुत जल्दी से झटपट कुछ बना पाएँ, वही ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं इंस्टेंट तिल के लड्डू। तो चलिए उसके लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत होगी तो आपको बताते हैं। देखिए हमने सब सामान को बिल्कुल बराबर रेशो में लिया है, आप देख रहे होंगे ये हमारे पास सफ़ेद तिल है। ये हमने मूंगफली ली थी और उनको क्या किया, भून के उनका छिलका उतार लिया है। ये हमने ग्रेट कर लिया है नारियल, जैसा आप देख रहे हैं, और ये नारियल है, और ये हमने लिया है गुड़। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए हम नारियल के इसको बुरादे को डाल देते हैं और हम बिल्कुल स्लो गैस करेंगे, तेज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे बहुत। देखिए नारियल का हमने बुरादा अपने पैन में डाला और लो फ्लेम पे इसको हम भून रहे हैं। ये देखिए ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, इसका कलर बदलने लगा है और इसे हम बस झटपट ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने मिक्सी के जार में। देखिए हमने कुछ ही सेकंड लगाए इसे भूनने में, ज़्यादा हमने समय नहीं लिया, और इसे हम पीस लेंगे। देखिए इसी में हम तिल डाल देते हैं और इसको भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनेंगे, तेज मत कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे, और आराम से इस तरह आप भूनें। देखिए जाड़ों में तिल आते हैं। देखिए दोस्तों सर्दियों में तिल खाना चाहिए क्योंकि तिल गर्म होता है और सर्दी तो मैं आप पता ही है कि ठंड पड़ती है, तो उससे एक तो ये हमें बचाता भी है, और भागते हैं लोग टैबलेट्स के पीछे। ओमेगा जो 3 है वो इसमें भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, तो इसे खाना चाहिए, ये हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा करता है। हमें हर वो चीज़ जो सीज़न में आती है वो हमें ज़रूर ही खानी चाहिए। देखिए दोस्तों ये पहले तिल वाइट था और अब हल्का हल्का ब्राउन हो गया, हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। और ये अभी हमारे पास जो पैन है ये अभी गर्म है, तो इसे अभी हम थोड़ा सा इसी पे इसी तरीके से भून लेंगे और उसके बाद इसको भी पीसेंगे। आप देखें नारियल हमारा पिस चुका है और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी प्लेट में इसको। देखिए तिल भी पिस चुका है, इसको भी हम प्लेट में इस तरह लौट देते हैं। चलिए अब मूँगफली भी पीस लेते हैं। देखिए मूंगफली पिस गई, इसे भी हम इसमें लौट देंगे अपनी प्लेट में इस तरह। लीजिए गुड़ को भी हम पीस लेंगे। देखिए गुड़ पिस चुका और इसको भी इसी में हम रख देंगे निकाल के इस तरह। देखिए और आप देख रहे होंगे कि एकदम गीला हो चुका है गुड़, ये देखिए बढ़िया से। अब आप देखें, अब इसे आप आराम से मिला लीजिए सबको, सारा सामान इस गुड़ में, ये आराम से लड्डू बन जाएंगे। आपने देखा इसमें हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया, तो दोस्तों देखा आपने हमने इसमें घी नहीं मिलाया, लेकिन जब हमने नारियल को पीसा तो उसने थोड़ा सा अपना जो इसके अंदर रहता है तेल उसको रिलीज़ किया, जब मूंगफली ही पीसी तो उसने भी अपने तेल को रिलीज़ किया, और जब हमने तिल को पीसा तो उसने भी इसी तरह थोड़ा सा तेल अपना रिलीज़ किया, जिसकी वजह से हमें इसमें देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत हेल्दी होते हैं और रोज़ का एक लड्डू ज़रूर खाना चाहिए आपको। तो इस तरीके से हम खूब बढ़िया से इसे धीमे धीमे मिला लेंगे और मिला के आराम से इसमें लड्डू बनाएंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से मिला लें। और दोस्तों संक्रांत आ रही है,
दोस्तों संक्रांत आ रही है और उस पर तिल का कुछ ना कुछ सामान हम लोग बनाते ही हैं, लड्डू है, बर्फी है, तो अब की बार आप संक्रांत पे इस तरीके के लड्डू बना के खाएं, बहुत आसानी से बन भी जाएंगे और भाई त्योहार है और तिल का कुछ सामान बनाना भी है तो इस तरीके से बन जाएंगे झटपट। देखिए आराम से लड्डू बन रहा है, ये देखिए इस तरीके से प्रेस करते हुए आराम से, इस तरीके से थोड़ा प्रेस करेंगे ना तो चिपक जाएगा ये ऐसे। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तो चिपक जाएंगे। दोस्तों इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। हमारे तिल के लड्डू तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी? बन जाएगी ना झटपट और आप बना के भी खाएंगे, बताइएगा जरूर कैसी लगी। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।